हाँ, तो अब देखिए डिफ्यूजन करंट की वजह से ये जो नीचे फिगर आपको दिखाई दे रही है इसमें क्या चेंजेस आपको दिखाई देगा। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने की वजह से पी टाइप के होल्स एन साइड मूव कर जाते हैं और एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स पी साइड मूव कर जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो जंक्शन है पीएन जंक्शन है इसके साथ वाले रीजन, मतलब थोड़ा सा हिस्सा लेफ्ट साइड, सॉरी थोड़ा सा हिस्सा लेफ्ट साइड और थोड़ा सा हिस्सा राइट साइड, क्या हो जाएगा, फ्री फ्रॉम चार्ज कैरियर्स हो जाएगा। पहले पीएन जंक्शन बनाते हैं हम। अब आपने देखा कि यहां के जो होल्स हैं वो इस साइड मूव कर गए हैं और इधर के एन साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस साइड मूव कर गए हैं पी साइड। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही होल पी साइड से, जैसे ही होल ये होल पी साइड से एन साइड मूव करके जाएगा तो अपने पीछे नेगेटिव इमोबाइल चार्ज कैरियर को छोड़ के चला जाएगा, सॉरी नेगेटिव इमोबाइल आयन को छोड़ के चला जाएगा। इमोबाइल मैंने पहले भी बताया था आपको कि इमोबाइल आयन क्या है, कि उनपे नेगेटिव चार्ज रहता है पी साइड के लिए बात करें तो, और वो अपनी जगह पे पड़े रहते हैं, वो मूव नहीं करते। जैसे इलेक्ट्रॉन और होल मूव कर रहे हैं ऐसे वो मूव नहीं करते हैं। तो जैसे ही यहां से होल उठ के जाएगा तो अपने पीछे क्या छोड़ के चला जाएगा, नेगेटिवली चार्ज इमोबाइल आयन छोड़ के चला जाएगा। तो यहां पे फिगर में ऐसे समझने के लिए आप लोग देख सकते हैं, क्लियर। और जैसे ही एन साइड से इलेक्ट्रॉन मूव करके पी साइड की तरफ आएगा तो अपने पीछे वो क्या छोड़ के जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयन। तो यहां पे ये ऐसे आप लोगों को पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयन आपको बना देने हैं। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि इस साइड तक और ये बढ़ा क्यों नहीं, ये भी ऐसे नेगेटिवली चार्ज इमोबाइल, ये इस साइड तक क्यों नहीं बढ़ा। तो उसका भी आप लोगों को जवाब मिलेगा अभी। तो यहां पे एक छोटी सी मैं बाउंड्री खींच देता हूं, ऐसे ही जो एन साइड है उसके लिए भी हम खींच देते हैं। अब देखिए ये जो आप लोगों को रीजन एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो इतना एरिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है जिसके अंदर अगर राइट साइड में आप देखें तो केवल पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयंस हैं, कोई होल प्रेजेंट नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ऐसे ही लेफ्ट साइड वाले रीजन में आप देखें, स्पेस में आप देखें तो आपको सिर्फ नेगेटिवली चार्ज इमोबाइल आयंस मिल रहे हैं। यहां पे भी कोई होल प्रेजेंट नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो इसी रीजन को, यानी कि लेफ्ट साइड इस जंक्शन के दोनों साइड का जो रीजन है इसको मिलाकर के हम नाम देते हैं डेप्लेशन रीजन। ये ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको हम क्या नाम देकर के चलते हैं, डेप्लेशन रीजन। तो इसके ऊपर मैं लिख देता हूं, डेप्लेशन रीजन। डेप्लेशन रीजन का मतलब क्या है कि पीएन जंक्शन डायोड के अंदर जो पीएन जंक्शन है उसके दोनों साइड का वो रीजन, वो स्पेस दैट इज फ्री फ्रॉम चार्ज कैरियर्स, यानी कि वो जगह, वो खाली जगह, डेप्लेशन का मतलब ही होता है खाली जगह जिसके अंदर कोई चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं है, केवल सिर्फ आपको इमोबाइल आयंस आपको यहां पे मिल रहे हैं। एन साइड पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयंस हैं। यहां पे अगर आप मार्किंग करके लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, इनको हम कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयंस। ऐसे ही अगर इनको आप नाम देना चाहें
तो पीछे वाले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये है नेगेटिवली चार्ज्ड इमोबाइल आयंस। क्लियर? तो ये आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन या होल अपनी जगह छोड़ के जाएगा, जंक्शन के एक साइड से दूसरी साइड जाएगा, तो अपने पीछे इमोबाइल आयंस छोड़ के जाएगा। क्लियर? अब ये तो था डिप्लेशन रीजन के बारे में, डिप्लेशन रीजन किसे कहते हैं। अब यहीं पे आप लोगों को एक चीज और देखने को मिलेगी, पोटेंशियल बैरियर। अब इसको, इस टर्म को भी हम समझते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं और यही वो टर्म है जो आपका डाउट क्लियर करेगी कि फर्दर जो है ये नेगेटिवली चार्ज इमोबाइल आयंस इस साइड तक, यहां तक पी साइड में और आगे तक क्यों नहीं बढ़ा, और ऐसे ही जो पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयंस है, ये जो जगह है, ये जो रीजन है, ये एन साइड में और आगे तक यहां तक क्यों नहीं बढ़ा। तो नेक्स्ट हम टर्म देखते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो यहां पे डिप्लेशन रीजन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम पोटेंशियल बैरियर की। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यहां पे इस फिगर के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो जंक्शन है इसके राइट साइड में पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयंस आपको दिखाई दे रहे हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिवली चार्ज इमोबाइल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी वजह से आपको क्या मिलेगा, इस पीएन जंक्शन डायोड स्ट्रक्चर के अंदर एक वर्चुअल फिक्सीशियस बैटरी आपको दिखाई देगी। क्लियर? उसको आप ऐसे शो कर सकते हैं यहां पे। एक वर्चुअल बैटरी, ये ऐसे आप जो कह सकते हैं, और ये जो बैटरी है ये पॉजिटिव चार्ज इमोबाइल आयंस है, इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये उस बैटरी का, वर्चुअल बैटरी का, यानी कि रियल में ऐसी कोई बैटरी नहीं है, हम सिर्फ इसकी कल्पना कर रहे हैं कि ऐसे आपके पास में एक बैटरी की तरह काम करेगा ये पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयंस, की वजह से आप कह सकते हैं कि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा। और ऐसे ही जो आपके पास में नेगेटिवली चार्ज इमोबाइल आयंस हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेंगे, और इसी को हमने नाम दिया है पोटेंशियल बैरियर। ये जो वर्चुअल बैटरी जो एग्जिस्ट कर रही है इसी को क्या नाम दिया है, पोटेंशियल बैरियर। यहां तक सभी का डाउट क्लियर है कि पोटेंशियल बैरियर क्या है, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड के अंदर एक वर्चुअल बैटरी एग्जिस्ट करती है पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयंस और नेगेटिवली चार्ज इमोबाइल आयंस की वजह से, उसी को हमने नाम दिया है पोटेंशियल बैरियर। अब इसका रोल क्या है, यही वो पोटेंशियल बैरियर है जो फर्दर मूवमेंट जो हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की पी साइड और होल्स की एन साइड, यही पोटेंशियल बैरियर। बैरियर का मतलब क्या, रोकने वाला, कोई चीज जो रोकता है किसी चीज को आगे बढ़ने से, तो ये पोटेंशियल बैरियर ही है जो कि फर्दर मूवमेंट जो हो रही है इन इलेक्ट्रॉन्स की पी साइड और इन होल्स की एन साइड। क्लियर? ये पोटेंशियल बैरियर ही है जो कि फर्दर मूवमेंट को रोक रहा है, यानी कि जिसकी वजह से और ज्यादा डिफ्यूजन करंट जो है नहीं हो रहा है। तो ये पोटेंशियल बैरियर जो है आप लोगों को पॉइंट याद रखना है। एट रूम टेम्परेचर पे इसकी जो आपको व्हाइट है वो आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये समझाने के लिए है। एक्चुअल में जब आप इसकी बायसिंग करेंगे, यानी कि इस पीएन जंक्शन डायोड को आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तब आप लोग देखेंगे कि ये जो डिप्लेशन रीजन आपको जो दिखाई दे रहा है इसकी जो वाइट है कम होगी या ज्यादा होगी, वो ज्यादा डिटेल में हम बायसिंग वाले क्लास में हम स्टडी करेंगे,
तो आज के लिए इतना आप लोगों को समझना जरूरी था कि पोटेंशियल बैरियर टर्म क्या है और डिप्लेशन रीजन टर्म क्या है। तो दोनों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट रहे तो कभी भी आप जो है पूछ सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर टुडे।